किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और मैं उठ ली थी, कई देर हो ली, पर चलो ब्लॉग मैंने ईब शुरू कराया है। चाय वाय बनाऊंगे, सोमवीर जी दूध दाद लिए आए हैं और कपड़ा का ढेर कल मैंने नहीं संगवाया, नुका नू पड़ा है घर पर। मौसम हल्की हल्की हवा चल रहा है पर गर्मी तब आई है। तो गाइज मैंने किचन में करना था काम अपना ही, और दूध दाद दूंगी और मलाई भी धरूंगी, उसका भी घी काट दूंगी। तो चलो एक बार शुरू करूं अपना काम। दही तो गाइस मैंने जमा दी है, धरेगी बाहर कमरे में जमा कर, और मलाई धर ली है तो इस नई लाती रहूंगी और अपने बाकी के काम करते रहूंगी। फ्रिज में तई बनाए सारा सामान भी रखा लिया है, वह तो ताजी मलाई है। अरिया और भी मलाई दरी थी तो इसका घी इसमें काट दूंगी। मैंने बेसन वो कर लिया है क्योंकि बनाऊंगी चिल्ले, और बेसन का पूड़ा पूड़ा भी बनाऊंगी और चिल्ले बच्चा का जो वो खा भी लूंगी क्योंकि रायता बनाऊंगी आज, कई दिन हो गए। अभिषेक ने बहुत पसंद है पूड़े का रायता, बूंदे भी हो लेकिन पूड़े का बहुत पसंद है, तो मैं पूड़े का ही बनाऊंगी आज। इसके बस चिल्ले बना लूं फिर उससे का रायता बनेगा, दिखाऊंगी आपने। तो गाइज मैंने इसमें उसका जीरे का हींग का छोक लगा लिया है और नमक भी डाल दिया है मेरे छैंपो ने। के गेर दिया पतीला कड़वाऊं थी नीचे तो दूध उजन थी, और यो बेसन का वो है कटोरा, इसमें पानी डाल दिया मैंने, इसमें चून भी लूंगी फिर मैं। तो ये मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं इसके, जो चिल्ला बना था उसके रिबिन है, इसके मैं गेरूंगी। इसमें रायते में ना मिर्च गेरनी रह जाएंगी, और यो रायता भी सेब का फेवरेट है, बालक हमारे खा ले हैं सारे, रितिका भी राजी होकर खा ले हैं, अरुण भी सब राजी होकर खा ले। मैं चलो आज हम ती सब प्राइज दू रायता बनाऊ, कई दिन हो गए सब्जी सब्जी खाता को ना कोई भी, बस मजबूरी में टूक लगावे हैं। तो इसमें भी मिर्च गेरनी हो जाएगी, बस ये हो गया हमारा पूड़े का रायता रेडी। गाइस मैंने आटा भी लगा दिया है, और देखो इतने सारे बर्तन हो गए, फ्रिज में तो निकाल लिया, और दूध भी ओस दिया है, चाय रख दी है बननी, और वो घी का भी चला दिया है, और यो घी मेरा निकल गया है एक। तो इसका गियर खोआ अलग कर लूँ मैं, और चिल्ले बनाए थे तो आप ना वो लागते होंगे ना, तो मैं इसमें हल्दी गेरा करूँ ना मैं घी लगाया करूँ, कती सूखे बन रहे हैं देखो रोटी डाला। ये दो बच रहे हैं, बाकी मैंने तीन उसमें डाल दिए रायते में। तो चलो ये भी ठंडा हो गया, इसने भी कर लूँ, और इसमें चूना निकाल कर रख दो, इसने दूर में रख दो। चाय भी बन गई है तो चाय पी ली मैं पहला, और घी भी छान दिया है। बर्तन करूंगी थोड़ी देर में साफ। गाइस रोटी ले आई हूँ और रायता ले आई हूँ पूड़े का, लस्सी भी ले आई हूँ, और रितिका तैयार बैठी खान थी। दूध गर्म करके ना यड़ दर दिया था, ठंडा होने लग रहा है, इसने फ्रिज में धरवाऊंगी। रसोई ने जो पहला के बर्तन थे वे सारे साफ कर दिया, रोटी बना लाई। अभिषेक ड्यूटी पर गया और सोमवीर जी भी ड्यूटी पर गए, हनी बारना है। तो चलो इन्ने खा लिया खाना सारे ने, और हम भी खा ली, मैं भूख लाग रही है सच्ची बताऊं। तो चलिए गाइज खाना खा ली, मैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइज हम आ गए थे रितिका ने लेकर, है रितिका चला रही है आजकल गाड़ी मस्त वाली बढ़िया। हम घर आ गए हैं, गाड़ी वाड़ी सिखा कर ना रितिका ने, चाय वाय भी पी ली थी हमने। तो चलो
अपना कुछ काम कर, रसोई में सारा काम मारा हो रहा है फिलहाल तो, और आग करना पड़ेगा रोटी राटिया का। और मारी हो रही है सब्जी सारी खत्म, तो सब्जी ले आऊँ, पैसे वैसे मैंने ले लिए हैं, बैग भी ले लिए हैं, तो हनी बाहर खड़ा हनु कहा आज मम्मी तो चलो एक बार है ना सब्जी ले आऊँ बाजार में, आज संडे है तो गई हम बाजार में आगे तो मैंने कुछ मिर्च विर्च ले भी ली है सब्जी। तो गाइज मैं सब्जी ले आई और इतना महंगा हो रहा सब कुछ, अक बुझो मत, घिया ले आई और ये शिमला मिर्च ले आई हूँ और ये बीन्स ले आई, हरी मिर्च ले आई कति खत्म हो रही थी, धनिया ले आई और ये इसमें है नारियल, नारियल ले आई क्योंकि मेरा चटनी खाना जी कर रहा था, चटनी बनाऊंगी, और ये ले आई बैंगन और टमाटर, 2.5 किलो पहला तलवा लिए थे अन्नी ने, फिर मैंने कम लागे तो 1 किलो और ले लिए, और ये ले आई गुलाबी हरे आलू, ये मैंने बहुत बढ़िया लगा खाने में, एक नंबर की ये ना ये वे लिकड़ते मीठे, तो यो ये सब्जी ले आई, मेरे ना कुछ समझ में ना आता कि ले खाना है। तो गाइस ये रसोई का करूँगी अपना, और गर्मी बाहर भी कत्ती, चाहे कुछ भी है, चाहे हवा चल रही है चाहे ना चल रही, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है कि बस बूझो मत, चाय के बर्तन ना धोए हैं तो चाय के बर्तन दूंगी, बाकी तो सारे सुबह के तो दो दो रखे पर ठाए ना है, चाय चाय के बर्तन दे रहे हैं ना दूंगी, आटा वाटा लगाऊँ और देखूंगी के बनाऊँ, रायता दरिया है सच्ची बताऊँ तो कुछ भी जी ना करता सब्जी खाने, इवेली आए जब भी जी नहीं करता कुछ भी खाने, तो सोमवीर जी तो बुझूँ वे भी मना करें, हरितिका तो बुझूँ वे भी मना करें, रोटियाँ गला कुछ चाहिए भी और मना भी करें हैं, कुछ खाना भी बनाना भी, तो चलो जो भी कुछ होगा देखूंगी के बनागा के ना, रायता तो घर दर आई है। तो गाइज रोटी भी बन गई है क्योंकि मन तो रोटी बनाई आटा लगाया, रितिका ने बना दी टमाटर की चटनी और वह ले भी गई, रोटी खाव है वह ले गई उसने, फिर नू बोली मम्मी लिया मैं बना दूंगी चटनी, तो इस मारे फिर जल्दी काम निमट गया सारे इकट्ठे लाख को करा है। तो गाइज रोटी बन गई है, रोटी खानी है मैंने, दही मैंने सुबह जमा दी थी, सोमवीर जी ने भी खा ली है रोटी, वे भी आ गए थे। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।